यह कटा साजिश के तहत हुआ है। आदमी बच्चा भरोसा नहीं उसको लगा के अगर इसको नहीं किया गया तो तीन तीन ब्लॉक न सड़क बचेगा न घर बचेगा न मवेशी बचेगा। भागलपुर जिले में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और गंगा का कहर लगातार आम लोगों को करा रहा है। ताजा मामला नवगछिया के इस्माइलपुर से बिनटोली को जोड़ने वाले रिंग बांध का है। सैकड़ों गांव को जोड़ने वाला यह रिंग बांध पिछले 20 घंटे में 250 फीट से ज्यादा का कटा हो चुका है, जिससे नवगछिया का दर्जनों गांव जलमग्न हो चुका है और हजारों की आबादी प्रभावित हो चुकी है। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि रिंग बांध में हो रहे कटाव को साजिश करार देते हुए इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोग अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का राहत कार्य नहीं चलाए जाने को लेकर काफी आक्रोशित भी दिख रहे हैं। कटाव साजिश के तहत हुआ है, इसमें सरकार का और यहाँ के जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन पदाधिकारी सभी के मिली भगत से इसको जाम के कटवाया गया है। और इसका जो है 400 करोड़ का योजना आज तक इसमें लग चुका है, 44 करोड़ इस बार भी आया है, लेकिन 44 करोड़ में यहाँ पे खर्च के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, मात्र आधा किलोमीटर पर मिट्टी वर्क हुआ है। हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है और अगर इसको अभी तत्काल नहीं रोका गया, इसको तो रोकने को ऐसे साधारण तरीका से नहीं रुकेगा, इसके लिए दो दो जहाज बड़ी जहाज लाना होगा। उसको लगा के अगर इसको नहीं किया गया तो तीन तीन ब्लॉक न सड़क बचेगा न घर बचेगा न मवेशी बचेगा। सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अभी जमींदारी बांध पर जो बोरी दिया जा रहा है उससे क्या फायदा है, ये जो गंगा उतर गई है वो तो ऊपर से पानी निकल जाएगा, उसकी इसको तत्काल बंद करना होगा। सरकार किस पर इसके ऊपर नजर रखनी होगी। मैं जल संसाधन मंत्री से कहना चाहता हूँ वो तुरंत इस पर एक्शन लें। वो वहाँ पर जो यहाँ पर एक भी पदाधिकारी नहीं है आपका, इस पर तुरंत एक्शन लें, बड़ी जहाज ले। कोई अभी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ये जो गंगा उतर रही है ये आपका सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। आपका जो भी है नौगछिया से लेके रंगड़ा से लेके गोपालपुर से लेके एक चीज बचने वाला नहीं है। मकान उकान सब गिर गए, ढाई ढन मना गए, आदमी बचा भरोसा नहीं है। अब यहाँ जब चौकी चौकी आनल है तो यो अब यहाँ से कहाँ ले जितने लेते अब अपना कर उपाय अपना जना करब जना करब सामान से भरल घर आर में नुकसान तो आधा है। डराम तराम सब वही है, गहूम के मकई के घर द्वार चौकी उकी सब वही है, सब चीज वही है। आधा ढोले छे दूटा तीनटा चौकी आ डराम अनाज पुनी और सब वही है। हम हेबे जाग देख होते बनी गिरी पड़ले घर सनी मकान सनी सब भाई ठन मनाए गेल केवरा सनी लागले चुकडुम भगलो छी उठा अब पानी निकलते तब ने।